तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, और इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो रूल हैं वो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे अपन एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, कैलकुलेट करनी है फॉर एन एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है, आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सारी प्रॉफिट्स को कैलकुलेट देखना चाहिए, सभी इनकम्स को देखना चाहिए, लॉसेस को पहले नहीं देखेंगे। जैसे दिया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल है इसका अंदर, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो चुका है 5,60,000, तो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आप लिख देंगे 5,60,000, ठीक है। आगे दे रखा है लॉस, पर लॉस अभी कंसिडर नहीं करेंगे, तो 2-3 को छोड़ दो। 4 है प्रॉफिट फ्रॉम जूट बिजनेस, जूट मिल से आपको प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, तो आप बिजनेस में जाएंगे और लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम जूट, ये वाला लेंगे, ये जूट मिल का प्रॉफिट है 40,000 रुपए, ठीक है ना, ये वाला प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। आगे लिए लॉसेज हैं छोड़ दो। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन इन शेयर आपको दे रखा है 6,000 रुपए का, तो स्पेकुलेशन का प्रॉफिट मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन है कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। आगे आपको दिया है ये लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 8,000, ये कैपिटल गेन में आएगा, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, ये 8,000। आगे आपको दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको दिए हैं 2, एक 4,000 का है शेयर्स का और एक बिल्डिंग का है, पर बिल्डिंग का तो लॉस है, छोड़ दो इसको। तो 4,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आप लिख सकते हो, ये 4,000 का आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो अदर सोर्सेज की इनकम है 12,000, ये आप इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 12,000 लिख सकते हो। तो ये सारे प्रॉफिट अपन ने लिख दिए। ये अपन कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तब है लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टीज, लेट आउट प्रॉपर्टी पे 60,000 रुपए का लॉस है, ठीक है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी 1,50,000 रुपए का लॉस है, यानी कुल मिला के 2,10,000 का लॉस है। अब अगर आप देखेंगे, रूल याद करेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहीं भी जा सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो बहुत ही अच्छी बात। सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी देखिए, तो हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास कोई इनकम नहीं है, आपके पास तो लॉस है। मैं कलर चेंज कर दिया, देखो लॉस है 2,10,000 का, और ये लॉस कहीं भी जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 2,00,000 रुपए का जो लॉस है मैं ले जा रहा हूं। देखिए, वैसे हाउस प्रॉपर्टी से लॉस 2,10,000 का है, लेकिन 2018-19 के असेसमेंट ईयर से 2,00,000 से ज्यादा के लॉस हाउस प्रॉपर्टी के अदर एसेट सेट ऑफ नहीं किए जा सकते। 2,00,000 तक का तो लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, 2,00,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते। तो लिखा है हैंस लॉस ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 2,00,000 हैज बीन सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी एड एंड द रिमेनिंग लॉस ऑफ 10,000 शैल बी कैरीड फॉरवर्ड, वो आप अगले साल सेट ऑफ कर लेना। इसीलिए आपका जो लॉस है वो वैसे तो 2,10,000 है, पर आप उसको 2,00,000 रुपए सैलरी एड में से कर रहे हो। अब आपका लॉस 10,000 रुपए बचा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बाहर नील लिखेंगे, यहाँ ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये 2,00,000 या सैलरी में से आके लेस हो गया, बाकी की सैलरी आपकी कितनी बच गई, 3,60,000। इस तरह से सैलरी की टैक्सेबल इनकम कम हो गई, सैलरी पहले 5,60,000 थी, उसमें से 2,00,000 रुपए आपके लेस हो गए लॉस के, हाउस प्रॉपर्टी के, अब आपकी टैक्सेबल सैलरी सिर्फ 3,60,000 रुपए बची है। नेक्स्ट आपको कहता है लॉस फ्रॉम कॉटन मिल है 68,000 का, तो 68,000 का लॉस आप और देखेंगे, तो देखें कौन कौन से अपने लॉस हुए हैं। 68,000 का लॉस ये रहा, 40,000 का जूट मिल का प्रॉफिट है, तो अब आपका लॉस बचा है 28। तो देखो, कॉटन मिल का लॉस जो है वो जूट मिल के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो गया। जूट मिल में 40,000 रुपए का प्रॉफिट था और कॉटन मिल में 68,000 का लॉस था, तो अब लॉस कितना बचा है, 28। तो पहले तो वो बिजनेस में से सेट ऑफ हो रहा है, दूसरे एड में नहीं जाएगा, क्योंकि पहले सेम एड में से सेट ऑफ करेंगे मैक्सिमम। लॉस फ्रॉम फर्म, ध्यान देना, फर्म का प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होता तो फिर उसका लॉस भी कंसिडर नहीं होगा, इसलिए इस लॉस को कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। वापस बोल रहा हूँ, इसका प्रॉफिट अगर होता तो भी टैक्सेबल नहीं होता, तो इसका लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। फिर आपको दे रखा है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन इन कॉटन, 15,000 का आपको लॉस हुआ है। तो देखो, स्पेकुलेशन से आपकी इनकम थी 6,000 और लॉस है 15,000 का, तो अभी भी लॉस 9,000 का बच रहा है। तो ध्यान देना,
स्पेकुलेशन का लॉस केवल स्पेकुलेशन की इनकम से सेटअप हो सकता है और स्पेकुलेशन की इनकम थी सिर्फ 6,000, तो 6,000 तक का तो सेटअप हो गया, बाकी का 9,000 किसी और हेड में जा नहीं सकता, तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल भी जाकर ये केवल स्पेकुलेशन के इनकम में से ही सेटअप हो सकता है। आगे चलते हैं, ये गेन है, ये भी गेन है, ये लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम बिल्डिंग 17,000 का लॉस हो गया, तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो आपका था 4,000, 17,000 का लॉस हुआ है, तो अभी भी 13,000 का लॉस बाकी है, ये सेटअप नहीं हो पाया, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही सेटअप हो सकता है, वो इवन शॉर्ट टर्म में भी नहीं जा सकता, इस पर रेस्ट्रिक्शन है, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेटअप हो सकता है, इसीलिए 13,000 आपको कैरी फॉरवर्ड ही करने पड़ेंगे, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए अभी तक अपन ने इंटर एड के तो सब करके देख लिए, जिसमें सब सेम एड में से ही सेटअप हो रहे हैं, केवल हाउस प्रॉपर्टी को अपन ने इंटर एड किया था। अब बाकी के इंटर एड देखें तो अपना बिजनेस का लॉस चल रहा है कितना, 28,000 का, और बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्शन ये कि वो सैलरी में नहीं जा सकता, तो सैलरी तो अपन ने सैलरी में पड़ा है प्रॉफिट, लेकिन सैलरी में हम सेटअप नहीं कर सकते, ऐसा बीएनपी पे रेस्ट्रिक्शन है। तो अब बीएनपी का लॉस अपन बाकी की इनकम में से लेस करेंगे, तो देखो 28,000 का लॉस है आपका, 28,000 में से 8,000 तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से लेस कर दिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 8,000 था, उसमें से 8,000 का लॉस सेटअप कर लिया, बाकी बचा नहीं, 28 में से 8 तो यहाँ सेटअप हो गए, बाकी बचे 20, बाकी बचे 20, तो 20 आप कहाँ से सेटअप करना चाहते हैं वो आप देखिए, 12,000 का ये इनकम था, 12,000 का आपने यहाँ सेटअप कर दिया, ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इनकम थी 12,000 की, उसमें से लेस कर दिया, तो अब अदर सोर्स भी कितना बचा नील, तो 28 में से 8 एंड 12 हो गए, बाकी बचे 8, अब बाकी के 8 भी आपको सेटअप करने हैं, लेकिन वो सैलरी में जा नहीं सकते, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ बचा नहीं है, बिजनेस का तो लॉस ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस बचा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से हम कर चुके हैं, अदर सोर्स में हम कर चुके हैं, तब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इस कंडीशन में ये 8,000 का लॉस जो है ये सेटअप नहीं हो पा रहा, और आप इसे कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे, केवल 12 और 20 का ही लॉस सेटअप हो पाया, 8 का लॉस सेटअप नहीं हो पाया, क्योंकि और कोई कंडीशन थी नहीं, दैट्स वाई वो आपका कंसिडर नहीं होगा, और उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम आएगी नील। तो अब आप देख रहे हैं सैलरी के 3,60,000, हाउस प्रॉपर्टी नील, बीएनपी नील, कैपिटल गेन नील, अदर सोर्सेज नील, कुल मिला के ग्रॉस टोटल इनकम आपके आगे 3,60,000, और जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं उनको आपको अलग से एक लिस्ट बना के दिखा देना चाहिए, क्या क्या हाउस प्रॉपर्टी में कुछ कैरी फॉरवर्ड किया, कितने रुपए, 10,000 रुपए, तो इस पे तो इसको लिस्ट में दिखा देना कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कौन से हैं, यहाँ भी आपने 8,000 कैरी फॉरवर्ड किया ये भी लिस्ट में आ जाएगा, इसके अलावा 9,000 रुपए आपने स्पेकुलेशन के सेटअप किए हैं, सेटअप नहीं कर पाए, तो ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4 सालों के लिए, देन कैपिटल गेन का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप सेटअप नहीं कर पाए 13,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कुछ है नहीं, तो ये लिस्ट अलग से एग्जाम में बना के दे देनी चाहिए, एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने कौन कौन से लॉसेस को सेटअप अभी तक नहीं किया है। एक एग्जाम्पल अपन और ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, मिस्टर उमेश सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम, इनकम दे रखी है, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस 6,000 रुपए, तो हाउस प्रॉपर्टी में 6,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, फिर लिखा है लॉस तो लॉस छोड़ दो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस पब्लिकेशन, बिजनेस से 22,800 का प्रॉफिट है, तो ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपका आ जाएगा, पहले वाला हाउस प्रॉपर्टी में आया था कि हाँ भाई लेट आउट हाउस से कितनी इनकम थी, स्पेकुलेशन इनकम 4,000 दे रखी है, तो ये भी बीएनपी एड में ही आता है, और बीएनपी में अलग से दिखा देंगे इसको, स्पेकुलेशन प्रॉफिट 4,000, इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 13,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,000, इनको भी अलग से कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल कर दें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 13,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,000, सब प्रॉफिट से लिख रहा हूँ और कुछ देख ही नहीं रहा अभी, डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से तो एग्जेम्प्ट होता है, इस पर तो टैक्स नहीं लगता, तो 16,000 कहीं नहीं लिखे जाएंगे, हाँ कार्ड गेम से आप जीते तो एक कैजुअल इनकम हो गई 10,000 रुपए की, ये आपके अदर सोर्सेज में आ जाएगी, तो चेक करो डिविडेंड तो देख लो ये एग्जेम्प्ट किया हुआ, और कार्ड गेम से आपकी इनकम हो गई 10,000, तो ये सब आपको इनकम दे रखी थी येलो में, अपन ने सारी इनकम को पहले टैक्सेबल कर दिया, पहले प्रॉफिट देखने, अब लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ जो स्पेकुलेशन वर्ड यूज आ रहा है ना ये वाला, ये स्पेकुलेशन वैसे सट्टा नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज सट्टा, जैसे गवर्नमेंट ने शेयर्स पे कर रखा है या कमोडिटीज पे कर रखा है, मेटल पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, इन पे, केवल उन्हीं के लिए एमसीएक्स वगैरह और जो सेबी वगैरह उनके लिए, बाकी सट्टे जो है वो तो इलीगल है, और बाकी अगर कोई है तो वो कैजुअल इनकम पे है, तो ये स्पेकुलेशन जो है ये लीगल है,
गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स वसूलती है, तो ये लीगल बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, इसलिए इसको बिजनेस में आपका ऐड किया गया है। अब हम लॉस को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कहते हैं लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, 7,000 रुपये का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से लेस हो सकता है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से लेस कर दिया, अभी भी 1,000 रुपये बच रहे हैं, देखते हैं बाद में इंटर हेड करेंगे तब देखेंगे, अभी इंटर हेड पहले देखेंगे। फिर ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म गेन प्रॉफिट, प्रॉफिट डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, अब बस अब इस साल का तो कोई लॉस बाकी नहीं रहा। अब कहता है फॉलोइंग आइटम हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, ये पिछले साल से कंटिन्यू है, पिछले साल से आपके पास लॉस कंटिन्यू है, उनको देखो तो इसमें भी पहले सेम हेड का नंबर आएगा। शुगर बिजनेस से आपको लॉस हुआ 6,500 का, वैसे शुगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन डिसकंटिन्यूड बिजनेस के भी लॉसेस सेट ऑफ किए जा सकते हैं, तो चेक करो शुगर बिजनेस का जो लॉस है वो आप यहाँ सेट ऑफ कर रहे होंगे। ये देखिए लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ शुगर बिजनेस, 6,500 का लॉस आपने सेट ऑफ किया है। आगे लॉस फ्रॉम पब्लिकेशन बिजनेस, अच्छा पब्लिकेशन बिजनेस का देखा तो पहले तो फिर इसका नंबर आएगा 4,500 का, तो 4,500 का पहले लॉस, इसीलिए पहले इसको सेट ऑफ किया है ना भाई, पहले तो सेम बिजनेस का नंबर आना चाहिए ना। लॉस इन कार्ड गेम, तो कैजुअल लॉस तो सेट ऑफ ही नहीं हो सकते, तो फालतू कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। स्पेकुलेशन लॉस दे रखा है 12,000 का, तो ऑब्वियस है इसका तो स्पेकुलेशन इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, ये आपकी स्पेकुलेशन इनकम है 4,000, उसमें से 12,000 का लॉस पूरा तो लेस नहीं हो पाएगा, इसलिए बाकी के 8,000 रुपये जो इस साल लेस नहीं हो पाए वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितने रुपए का, 6,000 रुपए का, तो ये कैपिटल गेन से आपका सेटअप हो सकता है, तो ये देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से सेटअप हो गया, तो 13,000 का फायदा है, 6,000 सेटअप हो गया, तो अभी भी आपका 7,000 रुपये का प्रॉफिट है, वो आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका 7,000 है, लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म में से लेस हो सकता है, तो 7,000 रुपये लेस करते हैं, बट 2,000 जो है प्रॉफिट था उसमें से 7,000 कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 5,000 जो है वो सेटअप नहीं हो पाए, 7,000 तो सेटअप हो गए पर 5,000 सेटअप नहीं हो पाए, पर इसका पीरियड खत्म हो गया, ध्यान देना 8 साल तक ही कैरी हो सकते हैं, अब इसके 8 साल हो चुके हैं पर ये सेटअप भी नहीं हो पाया, लॉन्ग टर्म लॉस कहीं और जा नहीं सकता, इसलिए लिखा नॉट टू बी कैरीड फॉरवर्ड, अब ये लैप्स हो गया, अब आप इसका राइट खो चुके हैं, आप इसको आगे से सेटअप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये अपन ने देखा इंट्रा हेड के, प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक थे वो भी देख लिए, अब नंबर आएगा इंटर हेड का। तो अब इंटर हेड का है तो देखो हाउस प्रॉपर्टी में आपको 1,000 का लॉस है, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन में ट्रांसफर कर सकते हो, ये देखो 1,000 रुपये का लॉस सेट ऑफ कर दिया, अब यहाँ बचा 2,100, 2,100 में से 4,500 ये सेट ऑफ कर दिया था, 17,300 में से 6,500 और कर दिया, तो बाकी बचा 10,800, ये आपके टैक्सेबल हो गया, और कोई इनकम बची नहीं है, तो एक तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी तो यहाँ कुछ आई नहीं, बीएनपी आपकी आ गई 10,800, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 7,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो खत्म ही हो गया था, और अदर सोर्सेज आपका 10,000 आ गया, अब सभी इनकम का टोटल कर दो तो वो आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, इस तरीके से आपका सेटअप का प्रोसीजर जो है खत्म होगा। तो ध्यान देना सबसे पहले करंट ईयर का इंट्रा हेड, उसके बाद प्रीवियस ईयर का इंट्रा हेड, सबसे लास्ट में इंटर हेड का नंबर आता है, ये बात अपन को याद रखनी है, सबसे पहले करंट ईयर का इंट्रा हेड, फिर प्रीवियस ईयर का इंट्रा हेड, और सबसे बाद में नंबर आएगा इंटर हेड का, ये अपन को याद रखना है।